हाय, आप सभी को प्रणाम और बोले विभा में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं विभा रानी आज आपके सामने मैं एक मैथिली कहानी लेकर आई हूँ, क्योंकि आप सब जानते हैं कि मैथिली मेरी मातृभाषा है और मैं मैथिली में लिखती भी हूँ। लेकिन इसके पहले, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बाय में एक कॉफी के लिंक पर जाकर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वहां जाकर के आप कम से कम मेरे लिए एक कॉफी या ज्यादा से ज्यादा आपकी जितनी मर्जी जितनी श्रद्धा उतनी कॉफी लेकर के आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। आज मैं जिसकी कहानी लेकर के आ रही हूं वो है नीता झा। नीता झा बहुत लंबे अरसे से लिखती रही हैं, 6 उनकी किताबें हैं और प्रोफेसर रही हैं, अभी अपने उस जॉब से सेवानिवृत्त हैं और अभी अभी उनका हाल में एक कहानी संग्रह भी आया है। लेकिन मैं आपको, उन्होंने एक कहानी जो मुझे भेजी है उसके बारे में मैं आपसे बताऊं, क्योंकि वो कहानी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत अहम है। आमतौर पर और खास करके जब हम बड़े होने लगते हैं, या ये कह लीजिए कि बुजुर्ग हो जाते हैं या बूढ़े हो जाते हैं, उस समय हम अपने सेक्स लाइफ पर बात नहीं करते हैं, उसकी कामना नहीं करते हैं, उसके ऊपर सोचते नहीं हैं। लेकिन इनकी इस कहानी में इसके ऊपर बात की गई है, एक बुजुर्ग जोड़ा इसके ऊपर बात करता है। बहुत प्यारी कहानी है और इसलिए इस कहानी को मैंने सोचा कि आप सबको मैं सुनाऊं। कहानी मैथिली में है लेकिन सिंपल भाषा में है, समझने की कोशिश कीजिए और बस कहानी आपके सामने है। कहानी का शीर्षक है राग अनुराग और कथाकार हैं नीता झा। आओ ऊपर आओ। प्रातः भ्रमण पश्चात अंगनैक फुलवाड़ी में बनल बेंच पर बैसल पति के पत्नी बजौल थे। पत्नी टहल का चाहक व्यवस्था में लाग जाय छथिन आ पति अनुलोम विलोम आदि करे लगे छथिन। नीचा बैसकर से अनुलोम विलोम, कपाल भाती, भ्रामरी, गर्दनक व्यायाम आदि आदि, श्वसन संबंधी योग कहे, बेस स्वर ताल लय में ओम ध्वनि करथिन, समापन ओही सहोइक, तावत चाह बन जाए अब पत्नीक वजाहत पर ओ ऊपर आवत। से ऊपर आएव कुर्सी पर बैस, हुनका कुछ फूर गेले, भर टेबल चाहक सरंजाम पत्नी पसाय देने रहथिन, सुसुम पाइन, हरद लेल, गेंठ वाला पीसल, नीम, सोहिजन, तुलसी, करी पातक मिलल जुलल, फक्की आ मौध में मिलाओल, थकुचल आद लहसुन, कागजी बदाम, अखरोट, खजूर, बिस्कुट आ नेबो वाला चाह। पति फक्की फाइक हरद वाला पानि पीबैत पुछलखिन, की कहने रही, ऊपर आवय, चाय बन गेल छे ने, आर की, सिरा जायत से जल्दी आओ, सह कहलिए त आर की, हमरा दिस देख कर कहू त, हे यो अहाँक भोरे भोरे राग सुझाइये। 80 वर्षक पतिक मुँह पर मोहक रागात्मक मुस्की देख पत्नी कहलथिन, एह बयास न देखो, फेर कहियो त, सह कहने रही, हम त किछ और बुझलौं। की बुझलिए, पहिने जे अहाँ राति में पलंग पर कहिए, ऊपर आबि जाओ, हम से बुझलौं, एह बाप रे, बूढ़ भेलौं आ नाक लगले अय, चोराक मन ककरिये के खेत, आई में बूढ़ आ चोरा कोन बात भ गेले, हम देह से बूढ़ भेलौं ने, मन इच्छा कामना राग भाव से एखनो जुआन छी, आ चोर कोना, हमरे खेतक काकर ने, हमरे घरक घरनी ने, बियाह 75 वर्षीय पत्नी पति दिस राग भरल भाव आ मोहक दीठ सँ देखैत कहलथिन, से त सही कहलौं, कामना इच्छा कहीं खत्म होइ छे, नै मरै छे, जीवित रहै छे, ओ अहूं के अय आ हमरो अछि, ओ जीवित रहै छे भरसक आजीवन शाश्वत भाव, मरितो दम धरि लोक के लालसा लौल लागले रहै छे, भरसक नै पूरा पूरी पकिया बात, 80-75 वर्ष में काम राग भाव आई त अगला 5-10 वर्ष में मर कुना जायत, आ किएक मर जेते, ई भिन्न जे आब हमर शरीर में ओ ऊर्जा नै, सकरता नै, किंतु इच्छा त अछि ने, से कमी हमरा में अहाँ में नै, अहाँ के एखनो इच्छा होइत हैत, सत बात कहब,
फूस ने हम कहियो कुछ फूस कहलौं अहाँ से बाजलौं एखनुक बात हम कह रहल छी बाजू ने लाज होइए नहि यौ अहाँ से कोन लाज अहाँ के तो हमर गत्तर गत्तर देखल अइ हमर मोन बुझै छी तऽ लाज के कोन बात इच्छा होइए किन्तु पहिले जकाँ नहि सब चीजक अवस्था होइ छै ने पहिल अवस्था में रंग रूप राग काम दोसर अवस्था में विचारक महत्व तेसर केवल संघ साहचर्य संगोरक महत्व आ हम सब आब चारिम अवस्था वानप्रस्थ में छी सक्रिय काम रागक बेर बीत गेलै शारीरिक अक्षमता कारणे बीपी शुगरक दवाई के रासायनिक प्रभावक कारणे जेना हाथ पैर आँखि कान पेटक भूख देहक अंग प्रत्यंग शिथिल भ गेलै तहिना काम अंग सेहो कमजोर भेल पहिने वाला भोजन रुचैये किछु पचैये नहि सै भेल अहूमे रुचि अइ किन्तु अशक्त छी अशक्त हम भेलौ नहि अहाँ नहि हमरो पूर्व जकाँ इच्छा कहाँ होइए कि अशक्तता शिथिलताक लक्षण भेलै ने तऽ एते जे भोरे भोरे हमरा किदन कहाँ दन दै छी सौंसे टेबुल पथार लगा दै छी तकर कोनो लाभ नहि हे यौ अहाँक अकिलो अशक्त शिथिल भ गेल ई सब काम भाव जयबा वाला छै ई सब तऽ किडनी लीवर मधुमेह हृदय के स्वस्थ राखबाक लेल घरेलू उपचार छै वयसक संग शारीरिक बौद्धिक ह्रास हेबे करतै ने बिसर लागै छी आ कि नहि एकर सभक स्थान पर समय आध्यात्मिक शक्ति आ आस्था उत्पन्न कराबै छै वार्धक्य भेला पर ह्रास हेबे करतै ने से हे राजन गतम न सोचामी ओहो लेल किछु करू ने ऐ यौ करू तेल में लहसुन पका कर तदकर मालिश मूव आ रिलैक्सेल मलहम लगेने बिना डाँड आ ठेहुन सोझ नहि होइए आ एकर उपाय डाँड में दम तखन हैत जखन सोझ रहत डेढ़ डाँड में हम की सोझ कऽ दिय तैयो कुछ करू ने एह पाप रो पाप गाल लटक गेल गर्दन झोलंग लागल अइ बाँह हाथक चमड़ी सुखल लागैय आ ओहो अंग लड़बर हेबे करतै ने यौ अहाँ ने एक्टिव हम तो पैसिव हमरा केना की हेतै देखने छियै ने बड़ेरी लड़बर भ जाइ छै तऽ नव बड़ेरी लगाब पड़ै छै सोच करले से आब नव काया अगले जन्म में अगला जन्म के देखलक हम कत अहाँ कत किए हमरा अहाँ नहि भेटब हमरा कोन योनि भेटत अहाँ के कोन तकर कोन ठेकान आ फेर जतऽ जकरा सँ लिखलाहा रहै छै सैह न होइ छै माने अहाँ हमर कामनो नहि करबै नहि 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 से नहि अच्छा अहाँ दार्शनिक भ गेलहुँ सांसारिकताक दुनिया सँ अध्यात्म दिस बढ़िए गेल छी भोर में प्रेम सिक्त गीत गजलक बदला में हरिओम शरण अनुराधा पौडवाल जगजीत सिंहक भजन हनुमान चालीसा गायत्री मंत्र महामृत्युंजय जप दुर्गा सप्तशती सुनय लागै छी ने एकर अर्थ जे आब अहाँक अगिला पड़ाव अछि वानप्रस्थ वयस तऽ भइए गेल अछि धियापुता अपन अपन ठाम पर सुख सँ अइ एहि घरक रखवारी करबे हमर सभक वानप्रस्थिक दुनू गोटेक बन जयबाक प्रयोजन नहि एहिठाम एकाकीय जीवन अइ ने से हे महाप्रभु माया सँ साधना दिस आयल जाउ एक बेर बस एक बेर किछु करू ने जँ भऽ जाय अच्छा तऽ आइ राति मे ओछाओन पर हम पहिने जकाँ जगायब अहाँके उठायब पहिलुके जकाँ उठू ने अहाँ जागब ने अंठा नहि देब ने थोड़े कालक बाद हम फेर कहब आब ऊपर आबि जाउ अहाँ आयब ने ऊपर तो ये कहानी थी बहुत प्यारी सी कहानी है एक बुजुर्ग दंपति के भीतर की अपनी आसक्ति और इच्छा की कहानी है कामना की कहानी है देह बेशक अशक्त है लेकिन मन मन ही तो है तो जीवन है मन से ही तो तन संचालित होता है और क्या पता जब आप मन से इच्छा करेंगे
तो आपका तन संचालित भी हो जाएगा। नीता जी की यह कहानी मुझे बेहद अच्छी लगी और इसलिए मैंने आपको इस कहानी को यहाँ पर सुनाना उचित समझा। आप लोगों में से जितनी भी मैथिली समझते हो और ना भी समझते हो, तो मैथिली की अपनी एक धुन है, उसकी अपनी एक ध्वनि है, बड़ी ही मीठी भाषा है, और इसे आप सुनिए, समझने की कोशिश भी कीजिए, और अगर अच्छी लगे तो जरूर हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कैसी लगी। और आपको भी लगता है कि आपकी लिखी कहानी या किसी और की भी कहानी अगर मैं पढ़ सकती हूँ, मेरे अंदर वो उतनी लियाकत है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में वो कहानी, लेखक का नाम और अपना नाम साथ साथ भेजें। अगर मुझे लगता है मेरे मनोमिजाज के हिसाब से वो कहानी मेरे लायक है, मैं उसको पढ़ सकती हूँ, तो मैं उसे लेखक के नाम और आपके नाम के साथ उसे यहाँ प्रस्तुत करूंगी। तो चलिए आज यहाँ हम मिलते हैं, बस अगली बार हम फिर कहीं किसी और चीज के साथ आएंगे, आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। नमस्कार, धन्यवाद।